अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सोशल डेवलपमेंट यूनिट 4 कोर्स कोड 8610 की फोर्थ एपिसोड के साथ आपके सामने हूँ और ये आपकी ऑनलाइन वर्कशॉप का चौथा लेक्चर है। आज के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिफाइन सोशल डेवलपमेंट, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग्स, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिवेलपमेंट, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन वेरियस सोशल डिवेलपमेंटल थ्योरीज एंड यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट प्री स्कूल, किंडर गार्डन एंड एलिमेंट्री लेवल। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट इज यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज विच कैन बी प्रोवाइडेड एट प्री स्कूल, किंडर गार्डन एंड एलिमेंट्री लेवल। सो इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट थ्री ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस यूनिट 4 विल बी प्रोवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स एंड ऑफ वीडियोज। So in my second part I will discuss about the objective 4 and 5. So let's start. You are watching Education and Entertainment channel. For your B.Ed course and for your M.Ed course you have to subscribe Education and Entertainment channel and press the bell icon and like and share its videos. चलें ओवरव्यू देखते हैं आज के यूनिट 4 का। सोशल डेवलपमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट। दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट आर फ्रीक्वेंटली टर्म्स एज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट बोथ ऑफ द डेवलपमेंट्स अकर सिमुलेटनेसली। इट मीन्स दोनों तरह की डेवलपमेंट जो हैं वो एक साथ ही डेवलप होती हैं, सोशल भी और इमोशनल भी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है कि आपके ख्याल में सोशल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। सोशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, द एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव एंड प्लेजिंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स इज नोन एज सोशल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज एंड स्किल्स। द स्किल्स इनेबल चिल्ड्रन टू रिलेट इफेक्टिवली विद देयर फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। ऐसी सोशल स्किल्स जो बच्चे को इस काबिल करें कि वो इफेक्टिवली अपनी बाइंडिंग बना सके अपनी फैमिली के साथ, अपने स्कूल और कम्युनिटी के साथ। द काइंड ऑफ लर्निंग इज डिलीवर्ड टू द चिल्ड्रन बाय 3 मीन्स। 3 तरह के जो जराए हैं जिनसे बच्चे ये सोशल लर्निंग या सोशल डेवलपमेंट अपनी करवाते हैं या उनकी होती है। डायरेक्टली बाय पेरेंट्स एंड टीचर, एक डायरेक्टली उनकी सोशल डेवलपमेंट होती है, और दूसरी इनडायरेक्टली थ्रू सोशल रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली और विद फ्रेंड्स। और लास्ट वन है प्रैक्टिस करने से, थ्रू चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन इन द कल्चर अराउंड देम। अपने इर्द गिर्द जो कल्चर है उसमें जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी सोशल डिवेलपमेंट होती है। इस तरह से 3 जरिए हैं बच्चों की सोशल डिवेलपमेंट करने के। विद द हेल्प ऑफ देयर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड दे आर डिवेलपिंग अवेयरनेस ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चे जब एक रिलेशनशिप में होते हैं दूसरे इर्द गिर्द के लोगों के साथ, जिनके साथ वो सोशल नॉर्म्स को प्रैक्टिस करते हैं, वैल्यूज को प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तवक्कोआत उनके साथ शेयर करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो अपने आप की जो आइडेंटिटी है उसकी सेंस को फील करते हैं कि वो असल में हैं क्या चीज़, वो कौन हैं, क्यों हैं, क्या हैं, हु एम आई। इस सवाल का जवाब बच्चों को इस दौरान मिलता है। चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न हाउ टू रिएक्ट अप्रोप्रिएटली इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस बट आल्सो प्ले रोल इन शेपिंग देयर रिलेशनशिप्स।
पहले पॉइंट में देखें तो बच्चों को ये अंदाज़ा होता है, वो ये चीज़ सीख जाते हैं कि किस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस में बच्चों को किस तरह से रिएक्ट करना है, जैसे कि खुशी का इजहार, गम का इजहार, गुस्से का इजहार, भूख का इजहार, नाराज़गी का इजहार, इस तरह के जो सिचुएशंस के साथ रिएक्शन हैं वो सीख जाते हैं। बट आल्सो प्ले रोल इन शेपिंग द रिलेशनशिप, और अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ कायम करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ उनका रिलेशनशिप, जैसे पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप, या जिस तरह से किसी भी नेबर के जो बच्चे हैं उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ। द डिवेलपमेंट ऑफ द सोशल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ हिज और हर। बच्चे की जो सोशल और इमोशनल हेल्थ है उसके लिए अहम क्या है? अप्रोप्रिएट राइट बिहेवियर। उसकी डिवेलपमेंट तब ठीक होगी, अच्छी होगी, जब वो एक ठीक बिहेवियर को शो कराना सीख लेता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी क्या है इसके बारे में जब वो समझता है, ज़ाहिर है ये एक थोड़ा एडल्टहुड और उस दौर की बात है जब थोड़े वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, शिफ्ट टू एडल्टहुड, जब उन्होंने बड़ी एज में शिफ्ट होना होता है, बड़े होना होता है, तो तब उनको पहले से जो उन्होंने लर्निंग की है अपनी पिछले एज के स्पैन में जब वो छोटे थे, तो वो चीज़ उनको अंडरस्टैंड करवाती है कि ज़िंदगी क्या है। सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट हेल्प्स शेप अ चाइल्ड इनटू सोशल इमोशनल डिवेलपमेंट है जो वो एक बच्चे को एक एक पर्सनैलिटी इस तरह की बनने में मदद देती है। बट ही विल बिकम लेटर इन लाइफ बाय टीचिंग प्रॉपर रिएक्शंस टू इमोशनल मैटर्स, कि वो बाद की ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में जब वो एक अडल्ट होगा तो वो किस तरह का इंसान होगा और वो किस तरह से अपने रिएक्शंस और इमोशंस को शो करवाने वाला होगा या कंट्रोल किस तरह से रखेगा। यहाँ हम सोशल स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ तस्वीर हैं जिसमें नंबर वन में आप शेयरिंग देख रहे हैं, ये भी एक सोशल स्किल है। इसी तरह कोऑपरेटिंग नंबर टू पर एक और सोशल स्किल है। इस तरह लिसनिंग, फॉलोइंग डायरेक्शंस और रिस्पेक्टिंग पीपल पर्सनल स्पेस, और साथ साथ में जो नीचे आपको इसकी राइटिंग नहीं दिख रही है, मेकिंग आई कांटेक्ट एंड यूजिंग मैनर्स, कि आप किसी सेवंथ जो डायग्राम है उसमें एक बच्चे, एक स्पेशल पर्सन को चेयर पेश की जा रही है, तो ये मैनर्स का इस्तेमाल है। सोशल स्किल्स आर द एबिलिटी टू कोऑपरेट एंड प्ले विद अदर्स, एक ऐसी खसूसियत को कहते हैं जिसमें सोशल स्किल, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और कॉपरेट करते हैं। पेइंग अटेंशन टू अडल्ट एंड टीचर्स, बच्चे बड़ों और असातिज़ा की बात को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं। मेकिंग रीजनेबल ट्रांजिशन फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के दौरान वो किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से अपना सोशल कैरेक्टर प्ले करते हैं, इस चीज़ को सोशल स्किल कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशंस। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ये सीखा जाए कि किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे को गुस्सा आए तो वो किसी बड़े के आगे बदतमीजी नहीं करेगा, ये उसका एक सोशल इमोशंस को कंट्रोल करने का एक तरीका होगा जिसको उसने लर्न किया होगा। बिफोर मूविंग फर्दर स्टॉप फॉर अ वाइल एंड थिंक, आगे चलने से पहले थोड़ी देर रुकें और सोचें, व्हाट इज़ माय डेफिनेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आपकी डेफिनेशन क्या है सोशल डेवलपमेंट की। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आप सब अपनी अपनी सोशल डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग को शो करवाएं अपने कमेंट्स के थ्रू। सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम ये जानेंगे कि इसकी अहमियत क्या है और क्यों ये होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली सोशल, बिल्कुल इंसानों को सोशल एनिमल कहा गया। इट इंक्रीजेस चाइल्ड्स कैपेसिटी टू बी सक्सेसफुल, सोशल डेवलपमेंट बच्चे की कैपेसिटी या कारकर्दगी एक कामयाब इंसान बनने की जो होती है उसको वो बढ़ाती है। इट इन्हेंस मेंटल हेल्थ, सक्सेस एट वर्क एंड द एबिलिटी टू यूजफुल सिटीजन, टू बी यूजफुल सिटीजन, तो एक
दो तीन चीजें इस सेंटेंस में बताई गई हैं जिसमें सोशल डेवलपमेंट का किरदार है। एक तो ये कि वो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है। इंसान ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है, ज़्यादा मेंटली स्टेबल होता है। सक्सेस एट वर्क, जो भी उसका काम है, चाहे वो स्टडी का पीरियड है या उसका कोई जॉब पीरियड आ गया इंसान का, तो उस सारे मरहले में वो एक कामयाब इंसान होता है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसकी सोशल डेवलपमेंट हुई होती है, एंड एबिलिटी टू बी यूजफुल सिटीजन। और पहले हमने बात की मेंटल हेल्थ की, जो कि एक सिनेरियो था पर्सनल पर्सनैलिटी के हिसाब से पर्सन का। अब सक्सेस एट वर्क में एक छोटा सोशल सर्कल दिखाया गया है, जिसके तहत जिन पीयर्स के साथ वो काम कर रहा है या बच्चा पढ़ रहा है, या तो वो सर्कल दिखाया गया, एंड अब ब्रॉड सर्कल दिखाया जा रहा है, द एबिलिटी टू बी यूजफुल सिटीजन, यानी वो मुआशरे का एक अहम, एक कारामद शहरी बन सकेगा। सोशल स्किल्स इंक्लूड वेरियस एबिलिटीज सच एज, सोशल स्किल्स में बहुत सारी काबिलियतें होती हैं, जो कि ये हैं: कम्युनिकेशन, बोलचाल के तरीके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने मसाइल को हल करना, और डिसीजन मेकिंग, किसी भी काम का फैसला लेना, किसी भी मामले का फैसला लेने की कुव्वत, सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज रखना, और पीयर रिलेशंस, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ ताल्लुकात, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात। दीज स्किल्स इनेबल एन इंडिविजुअल टू बिल्ड एंड मेंटेन पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स। ये जो पांच स्किल्स का जिक्र किया गया है, ये सारी स्किल्स जो हैं कि इंसान को इस तरह से मेंटेन करती हैं कि वो अपना पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप दूसरों के साथ कायम रख सके। एक्सट्रीम सोशल बिहेवियर्स इनफर विद लर्निंग, टीचिंग एंड क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर करते हैं। एक्सट्रीम सोशल बिहेवियर, चाहे वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला बच्चा है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, या बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, तो ये सारा जो पर्सनैलिटी के शेड्स हैं वो सोशल बिहेवियर कहलाते हैं, और वो सोशल बिहेवियर लर्निंग और टीचिंग और क्लासरूम की ऑर्गेनाइजेशन में असर अंदाज होते हैं। सोशल कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड टू, अब सोशल कॉम्पिटेंसी किसको कहते हैं, इसको हम देखेंगे कि पीयर एक्सेप्टेशन, पीयर्स अपने साथ वालों को, इर्द गिर्द वालों को किस तरह से एक्सेप्ट करता है इंसान, टीचर एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेंस यानी टीचर की बात को सुनना और उसको एक्सेप्ट करना, फिर प्रेजेंट सक्सेस, उसके बाद वो अपनी मौजूदा जो कामयाबी है उस पर किस तरह से बिहेव करता है, सोशल बिहेवियर उसका क्या है, फिर है फ्यूचर पोस्ट स्कूल सक्सेस, यानी अगली आने वाली ज़िंदगी में जो कामयाबी है उसका दारोमदार पिछले तीन स्टेप्स पर हो रहा है, पिछले तीन कॉम्पिटेंसीज पर हो रहा है, जिसकी वजह से वो आफ्टर स्कूल बच्चा या इंसान जो है वह कामयाब इंसान बनेगा, या फिर सोशल बिहेवियर के हवाले से एक डिस्टर्ब पर्सनैलिटी होगी। इन फेलियर ऑफ अप्रोप्रिएट डिस्प्ले ऑफ सोशल स्किल्स वन मे नॉट बी लाइक बाय अदर, अगर अप्रोप्रिएट यानी जो नॉर्म्स, जो वैल्यूज सेट की गई हैं सोशल स्किल्स के हवाले से, अगर कोई बच्चा या कोई इंसान उस वैल्यूज और उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता और अपना बिहेवियर में डिस्प्ले नहीं करता, अप्रोप्रिएट डिस्प्ले नहीं कर पाता, तो वो दूसरों को नापसंदीदा शख्सियत के तौर पर दूसरे उसको देखते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन वर्क हार्ड टू डिस्प्ले द न्यू एंड बेटर बिहेवियर बट आर स्टिल एक्सक्लूडेड बाय अदर्स। कुछ दफ़ा यूं भी होता है कि बच्चे अपने बिहेवियर को चेंज करके और नया जो डिस्प्ले ऑफ मूड या बिहेवियर है वो करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे लोग उनको पसंद नहीं करते। उसकी वजह क्या हो सकती है? इट मे बी ड्यू टू पास्ट रेप्यूटेशन, जो उसकी पिछली रेप्यूट है मे बी उसकी वजह है, क्योंकि लोग समझते हैं कल तक तो ये इतना झगड़ालू था और आज देखें जी कितना शरीफ बन रहा है, तो फिर भी लोग उसके बच्चे के उस बिहेवियर को उसके साथी पसंद नहीं करते। बिकॉज दूसरी रीज़न जो हो सकती है मे बी बिकॉज अदर्स डोंट लाइक द न्यूली लर्न बिहेवियर्स, डोंट सीम नेचुरल,
यानी उनको जो दूसरा न्यू उन्होंने बिहेवियर सीख लिया, यानी कल तक जो झगड़ालू बच्चे थे, अगर आज वो सुलह पसंद हो गए हैं तो भी उनके साथी उनको या तो पास्ट रिप्यूट की वजह से उनको नापसंद करते हैं उनके बिहेवियर को, या फिर वो जो बिहेवियर शो करा रहे हैं वो उन्हें नेचुरल नहीं लगता, कुदरती नहीं लगता, उन्हें लगता कि ये एक बहाना कर रहा है सुलह पसंद होने का और कल को फिर लड़ाका हो जाएगा, तो इस वजह से वो उनको उस बिहेवियर को फिर भी पसंद नहीं करते हैं। एट अदर टाइम्स, कुछ दूसरे वक्तों में स्टूडेंट्स में स्टिल फेल, फिर भी बच्चे जो हैं वो फेल हो जाएं, किस वजह से? बिकॉज दे हैव डिफिकल्टी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर, क्योंकि उनको अपने बिहेवियर, अपने रवैये को कंट्रोल करने में महारत नहीं होती, उन्होंने वो स्किल सीखी नहीं होती, उनका बिहेवियरल जो डेवलपमेंट है वो बाज़ दफ़ा फैमिली की तरफ से नहीं हुई होती, जिसकी वजह से जब वो लोगों में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी से किसी को थप्पड़ लगा देते हैं या जल्दी से बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं क्लास में, तो ये इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं सिखाया गया, उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई। वन वेन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस अकर, दूसरी वजह ये हो सकती है कि स्टूडेंट क्यों नहीं अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर पाते, क्योंकि एकदम से कोई गैर मुतवक्का रिएक्शन उनके सामने आता है, जिसकी वजह से, यानी किसी ने एकदम शाउट किया तो जवाबन वो भी अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि घर में तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो ये एक सिचुएशन, एक सिनेरियो मैंने आपके सामने पेश किया। टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू कोप विद सच सोशल प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट एंड डेवेल्प एडजस्टमेंट एबिलिटी इन द सर्कल। अब इस जगह पर, इस मौके पर जब बच्चे अपना बिहेवियर कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं, तो टीचर उनकी मदद कर सकता है स्टूडेंट्स की, कि वो किस तरह से अपने आप को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, सोशल प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से डील करें और किस तरह से अपने सोशल सर्कल में एक नॉर्मल बिहेवियर वाले इंसान बन सकें। द सोशल कॉन्टेक्ट्स इन विच चिल्ड्रन लिव हैव इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन देयर डेवलपमेंट। जिस सोशल पस मंजर में से वो आए होते हैं बच्चे, वो एक अहम असर डालता है उनके उस माहौल में, जहाँ वो नए माहौल में जब आते हैं तो उनके डेवलपमेंट पर, नए माहौल में जो वो चीज़ें सीखते हैं तो उनका पिछला जो एक्सपीरियंस होता है बिहेवियर कंट्रोल के हवाले से, वो उनके अंदर हर्डल भी डाल सकता है, उनको हेल्प भी कर सकता है नया जो बिहेवियर कंट्रोल मेथड है उसको सीखने में। अकॉर्डिंग टू बॉन फेन ब्रेनर, थ्री ऑफ द कॉन्टेक्ट्स इन विच चिल्ड्रन स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम आर, तीन इस तरह के तनाजुर हैं जिन जहाँ बच्चे ज़्यादा अपना वक्त ज़िंदगी का गुजारते हैं, फैमिलीज हैं, ख़ानदान, पेयर्स उनके साथी, एंड स्कूल्स, और स्कूल जहाँ पर वो अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं। हाउ योर कॉन्टेक्ट्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर सोशल डिवेलपमेंट, आप डिस्क्राइब करें के कमेंट बॉक्स में। ये तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप समझते हैं कि आपको, आपके सोशल डेवलपमेंट को आपके पस मंजर ने, फैमिली बैकग्राउंड ने, या आपके घर के माहौल ने किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस किया आपके बिहेवियर को, बिहेवियर के या सोशल डेवलपमेंट के मामले को। तो इसका आपने ज़रूर आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। थ्योरीज पे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीन से चार थ्योरीज हैं मुख्तलिफ, जो सोशल डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पेश की गई हैं आपके यूनिट 4 में। देर आर वेरियस थ्योरिस्ट्स हु हैव गिवन एन इनसाइट इनटू सोशल डेवलपमेंट। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल गो थ्रू अ नंबर ऑफ थ्योरीज रिलेटेड टू सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ हम पांच छह थ्योरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहली जो थ्योरी है वो है जी जॉन बॉलबी की, जो 1907 में पैदा हुए और 1990 तक की उनकी जिंदगी का टेन्योर है, और वो एक यकीन रखते थे इस बात पर कि मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स
कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अर्ली चाइल्डहुड, जो सेहत है, जहनी सेहत है और रवैयों के मसाइल हैं उनको शुरू के बचपन के दौर में एड्रेस किया जा सकता है, उसकी तरबियत की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू बॉल्बे, अटैचमेंट इज अ साइकोलॉजिकल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन, इट लेट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बॉन्डिंग जो किसी न किसी इंसान के साथ बच्चे की होती है वो एक मेन चीज़ है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट में, अकॉर्डिंग टू बॉल्बे। अब हम देखते हैं कि उसका एवोल्यूशनरी जो थियरी ऑफ अटैचमेंट है वो क्या सजेस्ट करती है। चिल्ड्रन आर बॉर्न प्री प्रोग्राम्ड टू फॉर्म अटैचमेंट्स विद अदर्स। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर एक किस्म की ये सलाहियत पहले से मौजूद होती है कि उन्होंने किसी ना किसी के साथ अटैच होना होता है जज्बाती तौर पर। दिस विल हेल्प देम सर्वाइव, ये चीज़ उनको सर्वाइव करने में मदद देती है। बेबीज आर बॉर्न विद सोशल रिलीजर बिहेवियर्स सच एज क्राइंग, स्माइलिंग, कोइंग एंड फॉलोइंग दैट सिम्युलेट केयर गिविंग फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चे इन सोशल रिलीजर बिहेवियर्स के साथ पैदा होते हैं, जैसा कि रोना, मुस्कुराना, गुनगुनाना यानी मतलब खुश होके बोलना, चहचहाना जैसे बर्ड्स चहचहाते हैं, एंड फॉलोइंग द स्टिमुलेट केयर गिविंग फ्रॉम अडल्ट्स। जो भी बड़े उनकी केयर कर रहे होते हैं, चाहे वो मदर है या उनकी कोई आया है, गवर्नेस है, उनके साथ वो इन अपने सोशल बिहेवियर का इजहार रो के, मुस्कुरा के या बात करके करते हैं। बिकॉज अडल्ट आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड टू रिस्पॉन्ड टू इन्फेंट्स सिग्नल्स, क्योंकि बड़ों को भी ये एक वर्षे में चीज़ मिली होती है कि वो छोटे मासूम बच्चे, इन्फेंट्स जो हम पैदाइश से 2 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, उनके इशारों को रिस्पॉन्ड करें, यानी जो भी वो बात करते हैं उनको वो केयर गिवर्स या जो मदर्स हैं वो फौरन समझ लेती हैं। जो बाकी लोग दूर रहने वाले होते हैं वो उन बच्चों के रोने धोने का मतलब नहीं समझ रहे होते, लेकिन जो केयर गिवर हैं या मदर्स हैं वो फौरन समझ जाती हैं कि इस वक्त बच्चे की नीड क्या है, इसको भूख लगी है या इसे नींद आई है या कोई और ज़रूरत है। बॉल्बे बिलीव्ड इट वॉज नेचुरल टू नीड अदर पीपल थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। अकॉर्डिंग टू बॉल्बे, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट अ बेबी रिमेन्स कनेक्टेड टू हर हिज और हर मदर। तो एक अकॉर्डिंग टू बॉल्बे एक चीज़ है कि वो कहता है कि बच्चे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, यही वजह है क्योंकि पैदाइशी तौर पर उनमें ये सब जो खूबी है अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है कि वो लाजमी अटैचमेंट के एक प्रोग्राम के साथ बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, और फिर जो मदर्स हैं या एल्डर्स हैं जो उनके करीब केयर गिवर हैं वो उनके अंदर भी ये वर्से में चीज़ मौजूद है कि वो उन बच्चों को रिस्पॉन्ड करेंगे जब भी उनको कोई नीड होगी, और इसीलिए ये अटैचमेंट का जो प्रोसेस है ये लाजमी तौर पर दोनों तरफ से मौजूद होता है इंसान में और बच्चों में। अब हम देखेंगे कि मैरी एनवर्थ जो हैं उनकी क्या थ्योरी है इस बारे में। वो 1913 में पैदा हुई और 1999 में उनकी वफ़ात हुई, और ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने काम किया उसके साथ मिलकर, जॉन बेलब्री के साथ, जैन बॉल्बे के साथ। और मैरी वाज एन अमेरिकन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ नोन फॉर हर वर्क ऑन इमोशनल अटैचमेंट। उन्होंने अटैचमेंट की सिर्फ बात की थी बच्चों के साथ, और यहाँ इमोशनल अटैचमेंट की बात हो रही है ऑफ इन्फेंट्स टू देयर केयर गिवर। केयर गिवर से मुराद हम यहाँ अपने सिनेरियो में देखें तो मदर होती है, और अगर पूरी दुनिया में देख लें तो जो भी बच्चे की परवरिश कर रही होती है करीबी खातून या बंदा वो केयर गिवर कहलाएगा। नाउ अब हम जब केयर गिवर का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप इसको एज ए मदर भी ले सकते हैं और एज ए कोई भी ऐसा इंसान जो उस बच्चे की देखभाल कर रहा होगा। तो इमोशनल अटैचमेंट जो है वो लाजमी होती है इन्फेंट्स की केयर गिवर के साथ। शी वर्क विद जॉन बॉल्बी इन डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट थ्योरी। तो जो उनकी अटैचमेंट थ्योरी थी जॉन बॉल्बी की,
उसमें मैरी ने उनके साथ काम किया. अकॉर्डिंग टू मैरी, अटैचमेंट पैटर्न्स डिवेलप इन इन्फेंसी एंड टोडलरहुड रिमेन थ्रू आउट द लाइफ टाइम. अटैचमेंट के जो पैटर्न्स हैं, जो खूबियाँ हैं, वो कब इंसान में डिवेलप होती हैं? जब वो इन्फेंसी लाइफ स्टेज पे होता है, और फिर वो इंक्रीज होती चल जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं टोडलरहुड में, और फिर सारी ज़िंदगी के जो भी जितनी भी उस इंसान की उम्र होती है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फोकस ऑन द अटैचमेंट एस्पेक्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प चाइल्ड टू डिवेल्प पॉजिटिव सोशल रिलेशंस इन फ्यूचर. तो ये एक माँ बाप और टीचर्स के लिए बहुत अहम है कि वो फोकस करें उस अटैचमेंट के पहलू पर, और इस अटैचमेंट के पहलू के तहत बच्चे के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप जो मुस्तकबिल के हवाले से उसको बनाने में हेल्प करें बच्चे की. मैरी फाउंडेड फोर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अटैचमेंट. उसने चार तरह की अटैचमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज बताई. सिक्योरिटी अटैचमेंट, अवॉइडेंस इनसिक्योरिटी अटैचमेंट, और अगली दो जो हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे. अभी इनकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं. सिक्योरिटी अटैचमेंट में इमोशनल बॉन्ड बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर केयर गिवर. जो बच्चे हैं उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो होता है अपने केयर गिवर के साथ, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं अपने केयर गिवर के साथ. और जब वो कहीं दूर जाते हैं तो फिर वो उनकी जो अटैचमेंट है वो कहीं हिलती नहीं, उसमें कोई झोल नहीं आता. दूसरी है अवॉइडेंट इनसिक्योरिटी अटैच्ड. इसमें चाइल्ड विल शो नो रिएक्शन व्हेन केयर गिवर लीव और रिटर्न. जब भी केयर गिवर उससे दूर होगा या वापस आएगा, बच्चा कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा. यानी उसकी अवॉइडेंट इनसिक्योरिटी इनसिक्योरली अटैचमेंट है. ये दूसरी टाइप की अटैचमेंट है. चाइल्ड में इग्नोर केयर गिवर ऑल टुगेदर. वो बच्चा इग्नोर भी कर सकता है अपने उस केयर गिवर को. इवन जब वो पास आए, वो उसको पहचानने से भी इनकार कर दे उसके साथ उस तरह से अटैचमेंट, क्योंकि उसकी बाउंड ही नहीं हुई हुई. फिर चाइल्ड हैज़ लिटिल और नो इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग एरिया ऑफ और हैव इंटरेक्शन विद केयर गिवर. वो केयर गिवर के साथ अपने इंटरेक्शन में, बातचीत में कोई नया इंटरेस्ट नहीं ढूंढने कोशिश करता. मतलब वो उसके साथ कोई, पीछे हमने जैसे देखा कि सिग्नल्स देते हैं बच्चे, कुछ रोना, हंसना, मुस्कुराना, खेलना, किसी को देख के खुश होना, अपने केयर गिवर को देख के खुश होना, अपने हाथ आगे बढ़ाना कि मुझे उठा लें. ये हम छोटे इन्फेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं इस तरह के जो टाइप के बच्चे हैं. फिर उसके बाद है नेक्स्ट, चाइल्ड विल ट्रीट स्ट्रेंजर नो डिफरेंट दैट केयर गिवर. वो जब केयर गिवर के अलावा भी कोई अननोन, कोई अजनबी भी उसके पास बैठे, तो वो उसके साथ भी उसी तरह स्माइल कर रहे होते हैं. वो सेम मतलब वो डरते नहीं हैं अजनबी लोगों से. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अजनबी लोगों से डरते हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं. लेकिन ये जो टाइप ऑफ अटैचमेंट है, इसमें बच्चे अजनबी लोगों से भी नहीं डरते और उनके साथ भी उसी तरह स्माइल कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, या वो गोद में ले लें तब भी वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं. कैन रिजल्ट फ्रॉम केयर गिवर बींग डिसंगेज्ड एंड इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम चाइल्ड. और ये इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे ने तो अभी तरबियत लेनी थी सोशल उसकी बिहेवियर की, लेकिन बड़े ने, जो उसका केयर गिवर था, उसने ही उसकी इमोशनल अटैचमेंट बनने ही नहीं दी. शुरू में ही बच्चे को केयर गिवर ने उतना टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अवॉइडेंट इनसिक्योरिटी अटैचमेंट का शिकार हुआ. थर्ड टाइप है एनक्शियस एम्बिविलेंटली अटैच्ड. इसमें देखते हैं तो द चाइल्ड इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड. बच्चा बेतहाशा परेशान होता है व्हेन द केयर गिवर डिपार्ट्स. जब भी केयर गिवर उससे दूर जाता है तो बच्चा बेतहाशा परेशान हो जाता है. और चाइल्ड इज एंक्शियस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड ऑफ स्ट्रेंजर. बच्चा जो है वो स्ट्रेंजर जो अजनबी होते हैं उनके साथ, वो अपने केयर गिवर की मौजूदगी में तो कंफर्टेबल रहता है. इवन व्हेन द केयर गिवर इज प्रेजेंट, व्हेन केयर गिवर रिटर्न्स, जब केयर गिवर वापस आता है, द चाइल्ड विल सीक टू रिमेन
क्लोज टू द केयर गिवर. बच्चा चाहता है कि अब मुझे वो माँ या केयर गिवर गोद में ले ले, बट विल बी रिजेंटफुल एंड रेजिस्टेंस, वो डिसलाइक करेगा टू केयर गिवर्स अटेंशन. कैन बी अ रिजल्ट ऑफ अ केयर गिवर हु इग्नोर्स एंड टेंड्स टू द चाइल्ड नीड्स अकॉर्डिंग टू द केयर गिवर ओन नीड और इंटरेस्ट रादर देन इन रिस्पॉन्स टू द चाइल्ड्स क्यूज. यानी बच्चे के सिग्नल्स और इशारों को जब कोई केयर गिवर इनकार करेगा, मतलब उसको अहमियत नहीं देगा, बच्चे को वो अगर खुश होकर देख रहा है उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, अगर वो रो रहा है तो उसको अटेंशन नहीं देगा, तो बच्चा जो है वो डिसलाइक करने लगा केयर गिवर की जो अटेंशन है उसको वो खास पसंद नहीं करता. फिर उस वक्त जब वो कभी कभार अटेंशन दे ही दे, तो डिसऑर्गेनाइज्ड डिसओरिएंटेड अटैच्ड में देखेंगे. व्हेन अ चाइल्ड इज अपसेट बाय द सेपरेशन ऑफ द प्राइमरी केयर गिवर, जब बच्चा परेशान होता है अपने जो उसका खास केयर गिवर है उसे यानी माँ है उसके दूर होने से, द चिल्ड्रन टेंड टू अवॉइड देयर केयर गिवर व्हेन दे रिटर्न टू एट टाइम्स और मे सीम्स नर्वस व्हेन अप्रोचिंग द केयर गिवर. आप देखते हैं कि छोटे मासूम बच्चे बाज दफ़ा इतने रो रहे होते हैं जब उनकी अम्मी कहीं दूर चली जाती है कि वो माँ वापस आ जाए तो वो उसी को ही नहीं पहचान रहे होते और उसी के पास नहीं जा रहे होते और तब भी रोई चले जा रहे होते हैं वो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि वो शदीद परेशान होते हैं, वो नर्वस होते हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि वो अपने केयर गिवर के पास ही हैं. वो इतना बिछड़ने का उनके जहन पर असर होता है कि वो सोशल बिहेवियर जो उनका वो डिस्टर्ब हो चुका होता है और वो अपना वापस ही नहीं आ पा रहे होते उस स्टेट ऑफ माइंड में कि उनका केयर गिवर अब उनके पास है. चिल्ड्रन रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, फ्रीजिंग, थ्रोइंग देमसेल्व्स ऑन द फ्लोर एंड और हिटिंग देमसेल्व्स रिपीटेडली. या तो बच्चे यूं भी रिएक्ट करते हैं कि जब उनका केयर गिवर या मदर उनसे दूर हो तो वो रो रो के फर्श पे लेटने लग जाते हैं कि हमें हमारी जो अम्मी है या जो भी केयर गिवर है वो अटेंशन दे. अब हम एरिक्सन की थ्योरी देखेंगे जो 1902 से लेकर 1994 तक के लाइफ स्पैन में थे. एरिक्सन प्रोवाइडेड अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरी रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट. ही साइकोलॉजिकली हिज साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट हैज़ 8 स्टेजेस. उनकी जो पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट की साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसके 8 स्टेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज. उनके जो स्टेजेस हैं वो शुरू हो रहे हैं आपके जो लाइफ स्पैन है 0 से 2 साल तक का और फिर आखिर में उनकी जो ओल्ड एज होती है इंसानों की वहाँ तक जा रहे हैं. ये इरेक्शन के आपके एक पेज पर इसकी टेबल भी बनी हुई है, आप अगर उस टेबल को देखेंगे तो साथ साथ हम यहाँ पर वही डिस्कस करते चले जाते हैं. इरेक्शन एम्फेसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड इमोशनल डोमेन्स. उनका फोकस ये है इरेक्शन का कि वो जो रिलेशनशिप की डोमेन्स हैं सोशल और इमोशनल, उन दोनों के बारे में वो थ्योरी उनका फोकस जो है वो उस पर है. ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ इन रिजॉल्विंग अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. इन इन्फेंसी द कॉन्फ्लिक्ट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. अगर हम अब आपके जो बुक की टेबल है उसमें देखें जहाँ 4 कॉलम बने हुए हैं, एरिक्सन स्टेज थ्योरी इन इट्स फाइनल वर्जन, ये इसकी हेडिंग है, और यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा है एज, दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट और तीसरे में इस तरह से वर्च्यू और फोर्थ में उसके जो एज के हिसाब से बताया हुआ है चौथा कॉलम. तो पहले उसमें कॉलम में लिखा हुआ है इन्फेंसी, तो पहला जो इन्फेंसी स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है. आइए देखते हैं किस तरह से. एरिक्सन हाइपोथिसाइज्ड दैट, उनका ये मफरूजा है कि एन इन्फेंट विल डिवेलप ट्रस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद एन असेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिवर. ऐसा केयर गिवर जो उसको रिस्पॉन्स देगा तो बच्चा उसके साथ बातचीत के लिए, बातचीत के दौरान यानी जो भी वो बच्चे का तरीका है उस वक्त, वो चाहे रो के बोलता है मतलब अपनी चीज़ को नीड को शो करता है या फिर वो खुशी का इजहार करता है या उसको जो भी उसका तरीका है उस वक्त
उस इन्फेंसी स्टेज में, उसमें बच्चे का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है जो रिस्पॉन्स करने वाला केयर गिवर हो उसके साथ। इन्फेंट विल डिवेल्प मिसट्रस्ट थ्रू इंटरेक्शन विद अ नेगेटिव और अनरिस्पॉन्सिव एंड अनअवेलेबल केयर गिवर। जब कोई केयर गिवर रिस्पॉन्स नहीं देगा उस बच्चे को, अपने बच्चे को, या मदर रिस्पॉन्स नहीं देगी, या उसकी नेगेटिव रिएक्शंस होंगे केयर गिवर के, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डिवेलप हो जाएगा। कंसिक्वेंटली इट इज दिस डिवेलपमेंट ऑफ ट्रस्ट इन इन्फेंसी दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू सक्सीड इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टोडलरहुड कॉल्ड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम आगे बात कर रहे हैं अगली जो स्टेज है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, ये उसके कंसीक्वेंस की बात हो रही है कि यहाँ पर जब अब इन्फेंसी स्टेज पर बच्चे का अगर ट्रस्ट डेवलप हो गया है या मिसट्रस्ट डेवलप हो गया, तो वो उसकी अगली जो चाइल्डहुड की स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड की, उसमें वो असरात उसको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से उसको या डिस्टर्ब करेंगे या उसको इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट स्टेज टोडलरहुड की है, फिर वो चाइल्डहुड स्टेज जो है वो टोडलरहुड स्टेज के लिए या तो खुद मुख्तारी बच्चे में आ जाएगी या उसमें शेम एंड डाउट आ जाएगा। इस तरह के बच्चा अपने जो काम हैं वो करने में, जब वो देखेगा कि उसको केयर गिवर ने कोई मशवरा ही नहीं दिया था इन्फेंसी स्टेज पे और अर्ली चाइल्डहुड पे, उसके साथ उसको गाइडेंस नहीं दी थी, तो वो अपने आप बाकी हर चीज़ों में, अपने रवैयों के इजहार में वो आज़ाद हो जाएगा, और फिर या फिर वो शर्मीला हो जाएगा और वो शक में रहेगा कि मुझे इस वक्त हंसना चाहिए या नहीं, मुझे इस जोक पर मुस्कुराना है या नहीं, मुझे इस बात पर गुस्से का इजहार करना है या नहीं। ये इस तरह की डेवलपमेंट होगी पिछली दो स्टेजेस की वजह से टोडलरहुड में। सक्सेस ऑफ फर्स्ट स्टेज लीड हिम टू द सक्सेस ऑफ द नेक्स्ट। तो अगर पहली स्टेज इन्फेंसी जिसकी हमने बात की थी उस पे अगर बच्चा कामयाब होगा, ट्रस्ट बनेगा उसका केयर गिवर पर, तो वो अगली स्टेज जो अर्ली चाइल्डहुड है और फिर टोडलर हुड है, उन सब में ही कामयाब होगा। सो चाइल्ड इज मोर लाइकली टू डिवेल्प अ सेंस ऑफ हिज इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर हिज ओन बिहेवियर एंड एनवायरमेंट। तो बच्चे की जो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है खुद पर, वो अपने माहौल के अंदर पहले ही अपने चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में और इन्फेंसी स्टेज पर आने वाले अपने जो केयर गिवर के उसके साथ रवैये थे उन पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट टू स्टेजेस द डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स वर्सेस गिल्ट एंड इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी रेयर आर पर्टिकुलरली क्रिटिकल फॉर टीचर्स। बच्चों के लिए, बच्चों के सिखाने के लिए बिहेवियर्स की डेवलपमेंट के हवाले से, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से, ये फेज जो है, जो स्टेज बताई गई है जिसमें आप देखते हैं कि ये एज 3 to 6 ईयर है और 6 to 12 ईयर है, यानी आपका प्री स्कूल लेवल और किंडरगार्टन लेवल और फिर एलिमेंट्री लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रवैयों में अगर इनिशिएटिव हो या गिल्ट हो या फिर इन्फ्रियॉरिटी हो, ये सारी चीज़ें टीचर के लिए एक प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं, और जाहिर है इसकी ज़िम्मेदारी पहले फैमिली और केयर गिवर पर आएगी। अर्ली चाइल्डहुड इज़ ऑफन द एज व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट बिगिन देयर पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड हम कहते हैं कौन सी स्टेज को, जो 3 साल तक की उम्र है, उसमें बच्चे अक्सर अपने पहले जो पार्टिसिपेशन है फॉर्मल एजुकेशन की, उसमें अपने रवैयों का इजहार करते हैं, अपने पार्टिसिपेशन करते हैं, तो उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको फिर भी मॉडिफाई किया जा सकता है टीचर्स की हेल्प से। चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू इंटीग्रेट देयर इंटरेस्ट इन पर्सनल एक्सप्लोरेशन एंड द यूज़ ऑफ देयर इमेजिनेशन वर्किंग विद अदर्स। बच्चों ने ये चीज़ लाजमी लर्न करनी है, सीखनी है, और वो टीचर सिखाएगा कि वो किस तरह से अपने इंटरेस्ट और पर्सनल एक्सप्लोरेशन को, किस तरह से वो अपनी इमेजिनेशन को दूसरों के साथ शेयर करना सीखें।
एट एलिमेंट्री एज चिल्ड्रन, बच्चे जो आपके एलिमेंट्री एज के हैं, यानी आप इसको कहेंगे अर्ली एडल्टहुड एज, 12 साल तक की जो उम्र है उनके अंदर, द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन पर्सनल इंटरेस्ट एंड नीड्स विद दोज ऑफ अदर बिकम्स इवन मोर कम्प्लेक्स। तो इस उम्र में बच्चों की खुद को इंटीग्रेट करना, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, उसके लिए थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। दे मस्ट लर्न टू फॉलो रूल्स एंड गेट थिंग्स राइट। उनको लाजमी सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने जाब्तों की रूल्स की पासदारी करनी है और किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है। तो इस एलिमेंट्री लेवल तक जाने से पहले, जो प्री स्कूल और किंडरगार्टन लेवल है, वहाँ पर आप उनके रवैयों की मॉडिफिकेशन विंग टीचर कर सकते हैं, ताकि वो आपके एलिमेंट्री लेवल तक आते हुए मोर कम्प्लेक्स ना हो जाए। मोर ओवर दे लर्न टू अंडरस्टैंड द परस्पेक्टिव ऑफ अदर्स एंड वर्क इन ग्रुप्स। अब यहाँ पर और भी अहम है कि एलिमेंट्री लेवल पर, कि वो दूसरों के पस मंज़र को, दूसरों की बात को, दूसरों के नज़रिए को भी देखें, उसको भी अप्रिशिएट करें, उसको भी समझें और ग्रुप्स में काम करें। जिस तरह के ग्रुप में काम करते हुए वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें। डेफिशिएंसीज एट एनी ऑफ दीज स्टेजेस में लेड टू इनएबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू टेक एक्शन और देयर ओन। तो बच्चों की जो खुद ब खुद फैसला लेने की कुव्वत है, उसको कोई भी इस तरह की जो कमी है, जो पिछली स्टेजेस में अगर रह गई है, तो वो उनकी उस सलाहियत को मुतासर करेगी। डिवेल्पिंग अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, अनप्रोडक्टिवनेस एंड फीलिंग ऑफ इनकम्पिटेंसी इन रिगार्ड्स टू देयर पीयर्स एंड देयर सोशल रोल्स एंड एबिलिटीज। तो इस तरह की जब कमियां या बच्चों के अंदर रह जाती हैं सोशल डेवलपमेंट के हवाले से पिछली स्टेजेस पर, तो वो एलिमेंट्री लेवल पर आते हुए एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, वो खुद को किसी काम का नहीं समझते, अनप्रोडक्टिवनेस का एहसास होता है उन्हें, और फीलिंग ऑफ इनकम्पिटेंसी कि वो समझते हैं कि दूसरे उनके जो साथी हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और हम जो हैं वो सोशल रोल में, हमारी तो कोई एबिलिटीज ही नहीं है, जिसकी वजह से फिर उनकी परफॉर्मेंस मज़ीद डाउन होती है। यहाँ पर वही सारा टेबल डायग्राम आपके सामने है, जिसके बारे में हम पीछे पिछली स्लाइड्स पर बातचीत कर चुके हैं, और ओल्ड एज तक जाते जाते ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, इसको आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइगोस्टिकी का थ्योरी, और इस वाइगोस्टिकी जो हमारे टीचर थे ये रशियन थे, और इनके बारे में कल भी मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने यूनिट 3 में दिया है कि वे एक रशियन टीचर थे और सिर्फ 37 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, और जब उनकी डेथ हुई उससे पहले उन्होंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे थे जो कि रशियन लैंग्वेज में थे, और जब 1960 में उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो वो उनके आर्टिकल्स दुनिया के सामने आए, और इस तरह से उनके थियोरीज जो हैं वो आज एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं। ही इज़ अ वेल नोन थ्योरिस्ट इन द एरिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। कल हमने उनकी बात की थी जब हम सोशल बिहेवियर की बात कर रहे थे इंटेलिजेंस के हवाले से, कि किस तरह से इंटेलिजेंस लेवल डेवलप किया जा सकता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। तो ये उस नज़रिए के हामी हैं कि जब इंसान दूसरे इंसान अपने एडल्ट से मिलता है, किसी ऐसे बंदे से मिलता है जिसकी अंदर मोर नॉलेज हो, तो वो उससे उसकी पहले जो कम उम्र का या कम एक्सपीरियंस स्टूडेंट है उसकी इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट आती है। तो यहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो साफ जाहिर है इसका रिलेशन यहाँ भी बनता है उस थ्योरी का। ही क्लेम्ड दैट कॉग्निटिव फंक्शंस आर लिंक्ड टू द एक्सटर्नल और सोशल वर्ल्ड। ये हम बात पहले मैं बता चुकी, जैसा कि उनका ख्याल है कि जो जहानत के फंक्शंस हैं उनका लिंक है बैरूनी दुनिया के साथ, यानी सोशल वर्ल्ड के साथ, कि जितना हम लोगों से मिलेंगे, जितना हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस अपने साथ हम उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे उनसे बात करके, तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगी। अडल्ट्स एंड मोर कॉम्पिटेंट पीयर गाइड अ चाइल्ड इन टू द सोशल वर्ल्ड। जो बड़े हैं या जो मोर कॉम्पिटेंट आपके साथी स्टूडेंट हैं, उनसे बच्चे की जो सोशल वर्ल्ड है, सोशल दुनिया है, सोशल डेवलपमेंट है, वो ज़रूर इम्प्रूव होती है। वाइगोस्टकी एक्सप्लेन दैट चिल्ड्रन लर्न इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे एज अ रिजल्ट ऑफ
dialogue and interaction with a skilled helper within a zone of proximal development, जिसको ZPD कहा। ये इस ZPD के बारे में यूनिट 3 के लेक्चर में मैंने पूरी तफसील आपको बताई हुई है। इट हैज़ टू बाउंड्रीज, उन्होंने इसकी ZPD की टू बाउंड्रीज बताई हैं। द लोअर बाउंड्री ऑफ द ZPD इज एक्टिविटीज द लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ अ टीचर और गाइड। एक लोअर बाउंड्री है जहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस है स्टूडेंट की, जो वो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू डिवेलप कर रहा है, और दूसरी अपर लिमिट ऑफ ZPD है एक एरो के थ्रू, मैंने कल की लेक्चर में दिखाई हुई है, इज दोज लर्नर्स लर्निंग आउटकम्स दैट द लर्नर कुड नॉट अचीव एट दिस टाइम इवन विद द असिस्टेंस ऑफ अ कॉम्पिटेंट टीचर और मेंटर। यानी जो लर्निंग आउटकम्स सेट किए गए हैं उस बच्चे के लिए, वो अपनी जहानत के बलबूते पर लोअर बाउंड्री पर रहेगा, वो आउटकम्स की अपर बाउंड्री तक नहीं पहुँच पाएगा विदाउट किसी की, ऐसे बंदे के असिस्टेंस के जो कॉम्पिटेंट टीचर या मेंटर हो। तो ये द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का डायग्राम है, जिसमें थिंग्स इन द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन, वो एक छोटा सर्कल है, डार्क ब्लू है, और उसके बाद है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, थिंग्स द लर्नर कैन डू विद हेल्प, और इससे बड़ा जो सर्कल है वो अपने से एडल्ट की हेल्प से वो थोड़ा ब्रॉड कर सकता है उन चीज़ों को, उन अपनी उस लर्निंग को। एंड द थिंग्स लर्नर कांट डू, ये बाहर की जो सर्कल है लाइटर ब्लू में, वो ऐसी चीज़ें हैं जो के लर्नर बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी उसको जब वो इन दोनों फेज सर्कल्स से निकलेगा तो तीसरे सर्कल तक पहुंचेगा। यानी कुछ चीज़ें वो खुद लर्निंग बाय डूइंग करेगा, कुछ वो अपने मेंटर के साथ मिलके लर्न करेगा बातचीत करके, और फिर वो तीसरे सर्कल में पहुंच पाएगा। स्केफोल्डिंग का एक और नज़रिया हमारे सामने है, थ्योरी हमारे सामने है सोशल डेवलपमेंट की। स्केफोल्डिंग इज एन अदर कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडिंग लर्निंग प्रेजेंटेड बाय वाइगोस्ट्की। ये वाइगोस्ट्की का ही एक दूसरा नज़रिया है। पहला हमने बात की कि वो किसी मेंटर, किसी एडल्ट के साथ बातचीत के नतीजे में उसकी इंटेलिजेंस भी डेवलप होगी और उसकी सोशल डेवलपमेंट भी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्केफोल्डिंग मेथड क्या है। स्केफोल्डिंग इज द प्रोसेस बाय विच द टीचर कॉन्टीन्यूसली चेंज द लेवल ऑफ सपोर्ट गिवन टू द लर्नर एट द लर्निंग नीड्स चेंज। यहाँ पर बात हो रही है कि टीचर का जो किरदार है वो पहले फुल सपोर्टिव होता है बच्चे को, जब वो अपने स्किल उसकी अभी इम्प्रूव नहीं होती है, जो भी काम वो सीखने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चे को लिखना सिखाने के हवाले से, तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को सबसे पहले जब वो प्री स्कूल या किंडरगार्टन जो अपना लेवल है उसका, उसमें है, तो पेंसिल पकड़ के, हाथ पकड़ के टीचर बच्चे को लिखना सिखाता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि बच्चे को टीचर जब वो लिखना और पेंसिल को ग्रिप करना सीख लेता है, तो वो उसको डॉट्स लगा कर देता है कि यहाँ पर अब आप 1, 2, 3 लिखें। और जब बच्चा डॉट्स पर भी लिखना सीख लेता है, तो तब वो स्टूडेंट को एक लाइन पर ऊपर 1, 2, 3 लिख देगा, और फिर आप देखेंगे कि बच्चा उसको देखकर खुद से लिख लेगा, और एक वक्त आता है कि बच्चा विदाउट गाइडेंस जो है उसको लिखना शुरू करता है। तो टीचर अपना सपोर्टिव रोल ऐसा ऐसा कम करता जाता है, इस तरह से वो बच्चे को इंडिपेंडेंट करता है अपनी, उसकी जो भी चीज़ लर्न कराई जा रही है उस बारे में। अ टीचर हु इज एंगेज्ड इन स्केफोल्डिंग हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड अब एट एवरी स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये स्केफोल्डिंग मेथड था जिसकी मिसाल मैंने आपको बच्चे के लिखने के स्टाइल में बताई। यहाँ पर बताया गया है कि टीचर का जो किरदार है वो फिर भी इंस्ट्रक्शन की सूरत में मौजूद रहेगा बच्चे के सर पे। अब ये नहीं है कि उसको आपने कॉपी दे दी और वो खुद ही, आप उसको बताएं भी ना कि उसने क्या लिखना है और कहाँ लिखना है, तो वो किस तरह से लिख पाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन और जो इन्वॉल्वमेंट है टीचर की वाया इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के साथ रहेगी। टीचर ग्रेजुअली डिक्रीज द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड वाइल लर्निंग अ स्किल। तो हम राइटिंग स्किल की एग्जांपल दे चुके हैं, और उसमें स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए टीचर आहिस्ता आहिस्ता अपनी सपोर्टिव कैरेक्टर, सपोर्टिव रोल को कम करता जाएगा, और स्टूडेंट का जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। एज ही ऑब्जर्व्स दैट द चाइल्ड कैन परफॉर्म द स्किल इंडिपेंडेंटली ही स्टॉप असिस्टिंग द चाइल्ड। जब इन टीचर देख लेगा
कि बच्चे ने 1 to 10 तक और या 1 to 50 तक लिखनी सीख लिया तो तब वो उसको जस्ट बता देगा ऊपर दो अल्फाज में कि आपने 1 से 50 तक काउंटिंग लिखनी है, और उसकी जो इस तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा था उसको वो रोक देगा। बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग हाउ अ चाइल्ड बिकम सोशली कॉम्पिटेंट। तो पीछे पिछली स्लाइड पर जो हमने बात की थी ZPD के हवाले से, वो और फिर ये स्केफोल्डिंग, दोनों ही तरीके, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम हैं इस बात को बयान करने में कि किस तरह से बच्चा एक सोशली कॉम्पिटेंट इंसान बन सकता है। वाइगोस्टिकी का अगर हम सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखें तो हम ब्लू सर्कल में देख रहे हैं आई कैन डू दिस दिस बाय माई सेल्फ। ये एक शॉर्ट सर्कल ऑफ परफॉर्मेंस है जिसमें बच्चा खुद जितना परफॉर्म कर सकता है वो उसका ये लिमिटेशन एक छोटे सर्कल की सूरत में दिखाई गई है, जबकि बाहर एक जो पिंक सर्कल है आई कैन डू दीज विद सम हेल्प, ये कुछ ना कुछ वो बैरूनी सर्कल तक यानी उसकी परफॉर्मेंस या उसकी जो लिमिट है वो ब्रॉड हो सकती है स्टूडेंट की विद द हेल्प ऑफ समवन जो कि उसका मेंटर हो सकता है, टीचर हो सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की ये एग्जाम्पल है, इसी में स्केफोल्डिंग भी आ जाता है। आप दोनों नज़रियों को उसने इस एक सर्कल में प्रेजेंट किया है। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बैंडोरा। अब हम अल्बर्ट बैंडोरा की सोशल जो थ्योरी है सोशल लर्निंग के हवाले से उसको देखेंगे। व्हाट टू नो अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी, हमें क्या जानना चाहिए सोशल लर्निंग थ्योरी के हवाले से। नंबर वन, पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि लोग तो ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे अपने एडल्ट्स को कंघी करता देखकर अपने बाल संवारने सीख सकते हैं। सेकंड में देखें तो मेंटल स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग, बच्चे का जो जहन है वो बहुत अहम है लर्निंग के लिए। ये नहीं है कि वो जहनी तौर पर पुरसकून हो ही ना हो तो फिर वो किस तरह से उसकी लर्निंग जो है वो हो पाएगी। थर्ड में हम देखते हैं लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू बिहेवियर चेंज, सिर्फ लर्निंग से ही बिहेवियर चेंज नहीं किए जा सकते, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए एग्जाम्पल्स, उसके लिए मॉडल बिहेवियर्स शो कराने पड़ेंगे तो तब जाकर ये लर्निंग सोशल बिहेवियर की हो सकती है। एल्बर्ट बेंडोरा 1925 में पैदा हुए 4 दिसंबर को, और ये कैनेडियन नेशनल थे। ही हैज़ डन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क ऑन सोशल लर्निंग एंड इज़ फेमस ऑफ फॉर हिज सोशल लर्निंग थ्योरी, और जिसको उन्होंने बाद में रीनेम किया तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बन गई। अब सोशल और कॉग्निटिव, अब इसको आप कॉग्निटिव लर्निंग वाले चैप्टर में भी बयान कर सकते हैं इस थ्योरी को, और आप सोशल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में क्वेश्चन में भी इसको लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेंडोरा डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसीज कॉम्पिटेंस डिपेंड्स ऑन 3 काइंड ऑफ फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हैं जो डिपेंड कर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू बेंडोरा। नंबर वन, बिहेवियर्स चिल्ड्रन एंड अडल्ट ऑब्जर्व विद इन देयर होम और सोसाइटी, ऐसे रवैये जो बच्चे अपने घर और सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं वो उनकी सोशल डेवलपमेंट में एक फैक्टर है। दूसरा, मेंटल फैक्टर्स सच एज स्टूडेंट्स ओन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस, दूसरा उनका जहनी सोशल फैक्टर है जिसमें बच्चों को वो किस चीज़ को कामयाबी समझते हैं, वो समझते हैं कि हम 40% मार्क्स ले लें तो हमारे लिए बस कामयाबी है, या वो 90% मार्क्स लेकर कामयाबी खुद को समझने वाले इंसान। तो इस तरह से उनका जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी फैक्टर हैं सोशल डेवलपमेंट की, मतलब वो समझें कि हमें तो बस क्लास में 10th पोजीशन मिल जाए तो भी हम खुश हैं, तो ये उनकी सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसके लिए वो उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो ये सोशल डेवलपमेंट में ये मेंटल फैक्टर बहुत अहम है। उसके बाद है सोशल फैक्टर सच एज क्लासरूम एंड स्कूल क्लाइमेट। अब स्कूल का माहौल, क्लासरूम का माहौल भी बच्चों को सोशल डेवलपमेंट में या तो मोटिवेट करता है या डीमोटिवेट करता है, तो ये एक अदर फैक्टर, थर्ड फैक्टर है जो कि सोशल डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है। बेंडोरस रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म मॉडल इंडिकेट दैट दीज 3 फैक्टर्स आर मेच्योरली
म्यूचुअली रिलेटेड, वो कहता है कि ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे आपस में रिलेटेड हैं, बिल्कुल हैं, कि अगर बच्चे अपने घर और सोसाइटी से जो बिहेवियर ऑब्जर्व करके आए हैं तो फिर वही बिहेवियर उनको अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने गोल्स सेट करने के लिए बच्चों की सोच को डेवलप करेगा और उनके रवैयों को डेवलप करेगा, और देन वो क्लासरूम और स्कूल के क्लाइमेट में आके उसी तरह से बिहेव करेंगे. ईच फैक्टर्स इफेक्ट्स अदर इक्वली एंड चेंज इन वन फैक्टर विल रिजल्ट इन चेंज इन द अदर्स. बिल्कुल घरेलू माहौल का जो असर है बच्चों के सोशल डिवेलपमेंट पे, वो आके स्कूल के माहौल पे इफेक्ट करेगा. अगर आपके क्लास में मेंटली और सोशली डिस्टर्ब बच्चे होंगे ज़्यादा मकदार में, तो पूरी क्लास का माहौल जो है वो इफेक्ट करेगा. इसी तरह अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड और सुलझे हुए बच्चे होंगे तो पूरी क्लास का माहौल, उसमें जो माइनॉरिटी में थोड़े बच्चे डिस्टर्ब बिहेवियर वाले होंगे वो इफेक्ट होंगे और वो बेहतर बिहेवियर अपना शो करने लग जाएंगे, उनका बिहेवियर डिवेलप हो जाएगा. एट द सेम टाइम चेंज इन द क्लासरूम दैट लीड टू अ चेंज इन कॉम्पिटेंस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एफिशिएंसी. तो ये सारी जो डिस्कशन है वो बेंडोरा के हवाले से थी, और अब हम देखते हैं यूरी ब्रॉन फॉन बैंडर, इनकी जो थ्योरी है वो, इनकी एज स्पैन थी 1917 टू 2005 तक. रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और ये पैदा हुए थे 29 अप्रैल को 1917 में. रशियन, इससे पहले हमने वाइगोस्ट की भी देखे. ही इज़ वेल नोन फॉर हिज इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच प्रेजेंटेड व्यू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. अब यहाँ पर माहौल के बारे में इनकी थ्योरी है जो कि बच्चों को सोशल या इंसानों के सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करती है. अकॉर्डिंग टू द दिस साइकाट्रिस्ट द स्कूल एंड द क्लासरूम रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशल डिवेलपमेंट फॉर चिल्ड्रन. बच्चों की जो सोशल डिवेलपमेंट है उसमें सबसे अहम किरदार स्कूल और क्लासरूम का है, और उसमें जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्कूल, ज़ाहिर है उसमें टीचर्स भी मौजूद हैं. इनके ख्याल में वर्क, इनका जो वर्क है वो एडवोकेट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन द फैमिली एंड स्कूल इन अ चाइल्ड्स सोशल डिवेलपमेंट. बच्चे की सोशल डिवेलपमेंट में उनके ख्याल में जो कम्युनिकेशन है पेरेंट्स और स्कूल की, जो फैमिली और टीचर की, उसका एक अहम किरदार है बच्चे की सोशल डिवेलपमेंट में, उनका आपस का इंटरेक्शन. इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी डायग्राम आपके सामने है, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस सर्कल्स के थ्रू बताए गए हैं, बहुत डिटेल का अब वक्त नहीं है. नेक्स्ट उसमें देखते हैं जी, ये थ्योरी जो है वो किस तरह से सीरीज ऑफ एनवायरनमेंट सिस्टम, इसमें हम देखते हैं कि एक तो माइक्रो सिस्टम है, इनके 4 सिस्टम्स हैं यहाँ पर इकोलॉजिकल थ्योरी के, कि बच्चों लोगों के अंदर जो डेवलपमेंट एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सिस्टम है वो किस तरह से सोशल डेवलपमेंट करता है. तो माइक्रो सिस्टम विच इंक्लूड्स होम, फैमिली, नेबरहुड एंड स्कूल वेयर द इंडिविजुअल स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज टाइम. तो माइक्रो सिस्टम के तहत वो लोग आएंगे जो नैरो सर्कल में बच्चे के या इंसान के साथ होते हैं, जिसमें घर, फैमिली, हमसाए, स्कूल और उसके जो स्कूल का वो, और ये सारी जो चीज़ें हैं, 3-4 जगह जो हमने बताई सोसाइटी की, यहाँ पर इंडिविजुअल अपने जिंदगी डे का, दिन का ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. मैस्को सिस्टम फंक्शंस एज इंटर कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो सिस्टम. जब हमने माइक्रो सिस्टम की बात की तो सोसाइटी के 3-4 इलाके हमने आपको बताए, जिसमें होम था, फैमिली थी, नेबरहुड था और स्कूल था. इन सारों का रिलेशनशिप, इंटरकनेक्शन अगर फंक्शन के इसके साथ है मेसो सिस्टम, तो ये एक सेकंड जो स्टेज है, कनेक्शन है इन सारे सिस्टम्स के आपस में. एक एको सिस्टम जो है इन्वॉल्व्स लिंक बिटवीन अ सोशल सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल्स डज नॉट हैव एन एक्टिव रोल एंड द इंडिविजुअल्स इमीडिएट कॉन्टेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड एक्सपीरियंस एट होम मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंट्स एक्सपीरियंस एट वर्क.
अगर बच्चों को घर पर जो तजर्बा मिला है वो यूं है कि अगर पेरेंट्स वर्क प्लेस से आए हैं और वो अपसेट हैं, तो उन्होंने पूरे घर का माहौल अपसेट देखा, और बच्चों का ये एक्सपीरियंस है कि जो वर्क प्लेस से आता है वो परेशान ही होता है। तो इस तरह से बच्चों को बच्चे जो हैं वो इस सिस्टम के तहत जो उनकी सोशल डेवलपमेंट होगी, तो वो उनके नज़रियात और उनके सोशल बिहेवियर्स इस तरह से सेट हो जाएंगे। मैक्रो सिस्टम में बताया गया है कि डिस्क्राइब्स द कल्चर इन विच इंडिविजुअल लिव। यहाँ पर थोड़ा इसको ब्रॉड किया है, तो हम कहेंगे कि पहले हमारे पास सोसाइटी का जो एरिया था वो था होम, फैमिली, नेबरहुड एंड स्कूल, एंड देन स्कूल के साथ कनेक्शन इन चारों सोसाइटी पार्ट्स का। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो वर्क प्लेस है, यानी जो दूर है, सेकंड एक एस्पेक्ट है जहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उस इंडिविजुअल का जिसकी हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और वो उस एनवायरनमेंट का असर बजरिया अपने पेरेंट्स लेता है। और तीसरा हमने यहाँ बात की है, जो फोर्थ स्टेज है वो है मैक्रो, जिसमें पूरे एरिया, पूरे इलाके, पूरे शहर, पूरे सूबे, पूरे मुल्क का कल्चर एक इंडिविजुअल्स पर असरअंदाज होता है, और वो उसके तहत अपने सोशल नॉर्म्स को सेट करते हैं। और उसी तरह कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी एंड एथेंटिसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती हैं, इम्पोर्टेंट, लेकिन मैक्रो सिस्टम के तहत। अब है क्रोनो सिस्टम, इसमें है इज़ द ड्राइविंग ऑफ एनवायरमेंट इवेंट एंड चेंज ओवर द लाइफ कोर्स एज वेल एज सोशियो हिस्टोरिकल कंडीशन। सो दीज वर दी फोर फाइव थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी स्टेप्स बाय दिस साइकोलॉजिस्ट। मेन पॉइंट्स जो अब तक हमने पढ़े वो ये थे कि सोशल डेवलपमेंट के हवाले से जो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसकी थ्योरीज देखी, तो सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर बच्चे की सोशल डेवलपमेंट डिपेंड कर रही है, अटैचमेंट टू मदर और केयर गिवर जो हमने शुरू में बात की, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दूसरे नंबर पर हमने बात की थी इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड सम कॉम्पिटेंट अडल्ट, ये हमने ZPD के हवाले से बात की थी, वाइगोत्स्की की नज़रिए की, तो ये एक पॉइंट हमारे सामने आया। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल बिहेवियर एंड वेरियस इकोलॉजिकल सिस्टम सराउंडिंग द चाइल्ड। तो सिस्टम्स का भी हमने देखा उनका कितना ताल्लुक है, पांच सिस्टम हमने चेक किए। उसके बाद अ टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ऑल सच फैक्टर्स विच इफेक्ट द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये मेन पॉइंट से हमारे पास निचोड़ आ गया है कि किस तरह से हमें थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए बच्चों की सोशल डेवलपमेंट में अपना किरदार एज अ टीचर अदा करने के लिए। तो नेक्स्ट होपफुली हम अगले सेशन में आखिरी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट 4 डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।